हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनवेश फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। सेल्स एंड रिटेल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है, 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। जल्दी से देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन कौन सा है, क्योंकि समय है कम और काम है ज़्यादा। और आठवां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सेल्स फोर्स का मोटिवेशन कैसे इंप्रूव करा जा सकता है, और इसके अलावा एक एडमिनिस्ट्रेशन सेल्स फोर्स के लिए बताइए, मतलब कि ये जो सेल्स मैनेजर है उसके पास जो टीम है उसका वो मोटिवेशन कैसे अपलिफ्ट करेगा, और एक अच्छी सेल्स फोर्स कैसे क्रिएट करी जा सकती है, मतलब एक सेल्स मैनेजर एक अच्छी सेल्स फोर्स कैसे बना सकता है उसके बारे में बताइए। ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सेल्स फोर्स का मोटिवेशन करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, यानी वर्किंग एनवायरनमेंट हो सकता है, सैलरी हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर में आ गया। इंटरनल में आप कह सकते हो अचीवमेंट रिकॉग्निशन, एक्सटर्नल में आप सैलरी कमीशन तो कह ही रहे हो, कमीशन इसके अंदर बेसिकली, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ग्रोथ, गुडविल, ये वाली बातें हैं। मोटिवेशन के लिए क्या करना चाहिए, मोटिवेशन की बेसिक स्ट्रेटजी मास्लो नीड ऑफ हायरार्की आप फॉलो कर सकते हो, आप रिकॉग्निशन दे सकते हो, अप्रिसिएशन कर सकते हो, बिल्डिंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, इंश्योरेंस कर सकते हो, और एम्पावरमेंट ग्रोथ कर सकते हो, यानी कि गोल्स कैसे होने चाहिए, आप स्मार्ट होने चाहिए यानी अचीवेबल होने चाहिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हो, डेवलपमेंट की एक्टिविटी, ट्रेनिंग की एक्टिविटी रेगुलर करनी होगी, लीडरशिप आपको करनी होगी, लीडरशिप बाय एग्जांपल, यानी एग्जांपल सेट करना होगा और उसके बाद वर्क करना होगा। रोहित शर्मा ने क्या करा, एग्जांपल सेट किया, उसके बाद टीम से वर्क कराया है ना, तो आपने एग्जांपल सेट करोगे तो आपका टीम अच्छे से मोटिवेट होगी। मॉनेटरी इंसेंटिव तो होता ही है मोटिवेशन के लिए, और नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स हो गए, लेकिन वेकेशन ले गए, छुट्टी ले गए, घुमाने फिराने, एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस कराया, ठीक है। अब एक अच्छी टीम कैसे क्रिएट करी जा सकती है, एक अच्छी टीम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, पहले गोल डिसाइड करना होगा कि हमको इस टाइम के लिए, जैसे मार्केटिंग के हमको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए ना, प्रोडक्ट के लिए गोल डिसाइड होना चाहिए कि कंप्यूटर की टीम चाहिए, कि ऑटोमोबाइल की टीम चाहिए, कि इंजीनियरिंग की टीम चाहिए, किसकी टीम चाहिए। तो हमको पहले गोल्स डिसाइड करने होंगे, उसके बाद लेवल डिसाइड करने होंगे, उसके बाद हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं, फिर हम प्रोडक्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और टेरिटोरियल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टीम को डिवाइड करेंगे। फिर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का काम होना चाहिए जो टॉप टैलेंट का होना चाहिए, जैसे आपके कैंपस में अभी ड्राइव चल रही होगी क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है। कंपनसेशन एंड बेनिफिट को क्लियर कट ट्रांसपेरेंट वे से रखना चाहिए, अनबायस्ड रखना चाहिए, है ना। यानी कि अच्छी टीम बनाने के लिए क्या क्या करा जा सकता है, मोटिवेट करो रेगुलर, अच्छा रिक्रूट और टैलेंट करो, रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉय के ऊपर ध्यान दो, एम्प्लॉय की ग्रोथ पर ध्यान दो, डेवलपमेंट की एक्टिविटी करो, कंपनसेशन हाई मार्केट लेवल पर दिया जाए, और उसको रेगुलर ट्रेन असेसमेंट करके और पर्सनल टच भी करा जाए, और लीडरशिप बाय एग्जांपल एक बेस्ट एग्जांपल है। तो कोई भी टीम बनानी हो या सेल्स फोर्स डिज़ाइन करनी हो, दोनों के आंसर सेम ही है ना। सेल्स फोर्स में थोड़ी सी सेल्स टेक्निक की ट्रेनिंग, सेल्स मोटिवेशन की ट्रेनिंग, या गोल्स अचीवमेंट के साथ अलाइनमेंट, या स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, ऐसे पॉइंट आप और जोड़ सकते हो। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा है ना। इंटरनल में बहुत बार आया इस बार कि सेल्स फोर्स को कैसे मोटिवेट कर सकते हो, या सेल्स फोर्स को कैसे आप अलाइनमेंट में ला सकते हो, या बेस्ट सेल्स फोर्स कैसे डिज़ाइन करी जा सकती बताइए, या एडमिनिस्ट्रेट करी जा सकती बताइए, है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस बार इंटरनल में काफ़ी बार आया इसलिए हमने एड ऑन किया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।